तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए दिन में और एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हम जम्मू में वापस आ चुके हैं, मतलब लद्दाख की जर्नी हमने वापस स्टार्ट की है। तो इस बार हमने पिछली बार सितंबर में हमने उधमपुर में स्टे किया था, जम्मू से आगे निकल गए, तो इस बार हम जम्मू में ही स्टे कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे को आपको दिखाना था आपका चीपेस्ट अकोमोडेशन आप क्या ले सकते हैं जब आप जम्मू आए, तो इसलिए हम दिखाएंगे आपको कहाँ हम रुके हैं। ठीक है, तो ये जगह है जहाँ पे हम एक्चुअली रुके हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा तो बोर्ड पे साफ साफ लिख रखा है 200 रुपये में एयर कंडीशन डॉर्मेट्रीज। ये है ये जगह और लाइन से ऐसी बहुत सारी, ये ऐसे जैसे ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन रोड कलिका धाम लिखा है ना, वैसे ऐसे लाइन से बहुत सारे धाम है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो ये लाइन से आपको जितनी भी ये बिल्डिंगें लग दिख रही है ये सारी जम्मू तवी का, वहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ है स्टेशन का, उसके पास में ही ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो 200 रुपए में डॉर्मेट्रीज अवेलेबल करवा देती है, वो भी एसी डॉर्मेट्रीज विद क्लीन वॉशरूम्स। खाना भी अवेलेबल है वहाँ पर, उसका थोड़ा पे करना पड़ेगा और सारी फैसिलिटीज़ है, पानी वानी सब कुछ। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते कैसा है। का रिसेप्शन है और फिर सीढ़ियाँ जाने की है और ये यहाँ पर लिफ्ट है, तो हम लिफ्ट से जाके देखेंगे अपना कमरा जहाँ हम रहे थे, डॉर्मेट्री एक्चुअली। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उस डॉर्म में जहाँ पे मैंने और हमारे सारे स्टूडेंट्स ने नाइट स्टे किया है, तो आपको थोड़ा दिखाते डॉर्म कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब इस बेड पर तो मैंने सोया था, इसके ऊपर भी बेड है, ऐसे सब में ऊपर बेड है, तो ऊपर नीचे सो सकते हो, साथ में एसी भी लगा हुआ है तो ठंडा भी रहता है। अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी तो हुई नहीं है और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, तो इसलिए एसी वीसी चला के सोना पड़ रहा है, कंबल वगैरह भी ये देखते हैं। और ये सिर्फ मात्र 200 रुपए के लिए। जो देखा यहाँ पे बाथरूम था, मेल्स के अलग है, जेंट्स के अलग है, खूब सारे गीज़र भी लगे हुए हैं, सब कुछ है, मतलब सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ देखेंगे तो आप वाटर कूलर है, तो ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे खाना भी यहीं पे मिल जाता है, बहुत रीज़नेबल रेट पे, बहुत नॉर्मल खाना आपको मिल जाएगा। तो ये सारा है यहाँ का सिस्टम, तो आप जब भी आए, आपको अगर आप लोग बजट पे हो तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ये सामने देखेंगे तो आप भोजनालय लिखा है और यहाँ पे एक नॉर्मल रीजनेबल रेट में यहाँ पे आप देखेंगे तो खाना भी मिल जाता है, तो बहुत सही जगह है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं वापस लद्दाख की तरफ, पिछले महीने सितंबर में आया, अब वापस एक ऑफिशियल वर्क से आया है, तो उसी के लिए मुझे आपको ये जिस गाड़ी में हम आए हैं उसका थोड़ा दिखाना था कि कैसी है गाड़ी, तो चलो ये देखते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पीछे आप देखोगे तो दो हमने ट्रैवलर जो है बुक की है और इसी में सारे 39 बच्चे हैं, मतलब जाएंगे। और इतना सारा ये देखो सामान है, लगेज है और ये ट्रैवलर है, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट है, इसमें चार्जिंग पोर्ट भी रहता है, प्लस चार्जिंग पोर्ट के साथ में आपको एसी भी मिल जाता है, रिक्लाइनर सीट्स है, तो ये काफ़ी अच्छी सी सुविधा है, मतलब काफ़ी सही है। ये है, अभी गाड़ी चालू नहीं हुई है, बस ऐसे ही हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये जितना इतना सारा सामान दिख रहा है ना, ये सारा इसके गाड़ी के ऊपर जाएगा,
और फ्लोट हुआ,